मथुरा के गताश्रम टीला पर मकान फट रहे हैं। कई मकान ऐसे हैं जिनकी छत से लेकर दीवारों तक में दरारें आ चुकी हैं। इससे लोगों में दहशत का माहौल है। इससे पहले भी पुराने शहर में मकान फटने की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन नगर निगम अभी तक कोई ठोस वजह पता नहीं कर पाया है। थाना कोतवाली इलाके का यह एरिया गताश्रम टीला, जो कि पुराने शहर का बड़ा इलाका है, वार्ड 57 में आने वाले इस इलाके में पुराने मकान तो फट ही रहे हैं, नए बने मकानों में भी बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। लोग यहां अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यहां पर बने हुए मकानों में बीते कुछ दिनों में दरारें आ गई हैं। लोगों का इससे काफी नुकसान हुआ है। स्थानीय लोग हैरान परेशान हैं। गताश्रम टीले पर जिस क्षेत्र में मकानों में दरार आ रही है, वहां हर कोई परेशान है। कई स्थानीय निवासियों ने अपनी समस्या के विषय में बताया कि यहाँ मकान फट रहे हैं, जमीन धस रही है और कोई सुनने वाला ही नहीं। बहुत बार अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। लोग अब यह स्थान छोड़कर कहीं और जाने पर विचार कर रहे हैं। इनका कहना है कि उन्होंने सभी से कहकर देख लिया, मगर उनका दर्द किसी ने नहीं सुना। लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ अपने मकान को बनाया था, मगर सारा पैसा यूं ही बर्बाद हो रहा है। गिया मंडी समेत क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में मकान धंसने पर जब निगम अधिकारियों से शिकायत की गई थी, तो नगर निगम के इंजीनियरों ने रिपोर्ट दी कि मकान धंसने का कारण सीवेज लाइन का पानी रिसना नहीं है, बल्कि पूरा क्षेत्र टीले पर बसे होने के कारण यहां की जमीन धंस रही है। क्या नाम है आपका? सौरभ जी, ये बताया जा रहा है गली में जो मकान फट रहे, क्या वजह है? रोजाना फटते हैं, चक्का आ रहे हैं, देखो इधर भी चक्का आ गया है साइड में भी। वजह क्या है इसकी? पता नहीं चल रहा है। वजह तो कल कोई अधिकारियों से बात करी? कोई नहीं आया यहाँ पे। कभी शिकायत की थी आपने? एक आध बार पहले भी करवाई थी, कोई आया था नहीं चेक करने। अच्छा, अगर ये इसी तरीके से मकान फटते रहे तो आगे क्या मानते हैं कि किस तरीके का हादसा हो सकता है? इस दिन गिर पड़ेगा सर, तो इसमें जान माल की हानि भी हो सकती है। हो सकती है। जिम्मेदार कौन होगा? सरकारी होगी सर। क्या टोल जी, क्या नाम है आपका? अमरनाथ चतुर्वेदी। बताया जा रहा है कि आपके यहाँ पूरी गली में मकान फट रहे हैं, क्या वजह? फट रही है साहब, ये नहीं मालूम पड़ रही है किस तरीके से फट रही है। फट रही है मकान जो है, और मालूम नहीं पड़ती है जो है। अधिकारी कोई लोग आते नहीं है यहाँ पे जो। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारी चेकिंग करवाई जाए और व्यवस्था करवाई जाए कि कैसे मकान फट रही है, जो इससे मालूम पड़े कि मकान फटना बंद हो जाए। क्या मतलब कोई नुकसान नहीं हो? नुकसान होता है, ऊपर से धराशाई भी हो सकती है। पुराने मकान है जो है, चाहे जब जो खटका लगा रहता है कि कहीं गिरने पड़े रात में, जो नहीं सो सकती है जो है, बेचैनी से सोती है जो है, उठती है बाहर हो जाती है, कोई खटका लगता है तो जो है, समझे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष चतुर्वेदी। आशीष जी, बताइए कि बताया जा रहा है कि गली में काफी सारे मकान फट रहे हैं, क्या वजह? काफी सारे फटे हुए हैं, आपने भी देखा होगा, आपके माध्यम से दिखा देना चाहते हैं हमको कितना मकान फटा हुआ है, लेकिन ये जानकारी नहीं है किस कारण से फट रहे हैं मकान। यहाँ पर बहुत ही लोगों में बड़ी दहशत बनी हुई है, रात और दिन को सो नहीं पाते हैं। सुबह बरसात आती है, कभी कभार बरसात भी आती है, तो बरसात में भी लगता है कहीं घर तो नहीं जा पड़ेगा, इसलिए मकान बेचारे घर से बाहर ही डोलते रहती है। तो क्या कभी कोई अधिकारियों से अपने अधिकारी अभी बहुत हमने ऊपर तक पैसा लगा पड़ी कर चुके हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी यहाँ पर नगर निगम का या कोई भी राज्य कर्मचारी कोई भी नहीं आया है जो देखे। क्या उम्मीद है, अब क्या चाहते हैं यहाँ पर? ये चाहते हैं कि यहाँ पर कोई बड़ा सा बड़ा विभाग का आदमी आए, कोई राज्य कर्मचारी या कोई गवर्नमेंट का कोई आदमी आए, इंजीनियर, तो वो देखे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस बात से ये फटे जा रहे हैं मकान सारे। और यहाँ एक मकान नहीं है, दो मकान नहीं है, अनगिनत मकान आपने देखे होंगे कितने फट रहे हैं। क्या नाम है आपका? अरुण चतुर्वेदी। चतुर्वेदी, जगह कौन सी है ये? यह गताश्रम टीला है। गताश्रम टीला, बताया जा रहा है यहाँ बहुत सारे मकान फट रहे हैं, क्या अभी मकान फटे हुए हैं? और मतलब पिछले काफी समय से यही चल रहा है, हम लोग अधिकारियों से कई बार कह भी चुके हैं, उनकी नॉलेज में भी डाल चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है हमारी। तो क्या है, हमारे दहशत में हम लोग रह रहे हैं। इतना लाख मकानों में पैसा लगाते हैं, वो सब पैसा हमारा घर से चला जाता है। लगाया एक साल भी नहीं चलता है, उसके बाद में मालूम पड़ा, अभी आपने देखा ये अभी नया मकान बनाया है हमने, नया पूरा पैसा लगाया, वो सब वैसे ही हो गया। तो इस तरह तो लाखों रुपए की बर्बादी हो रही है। बर्बादी हो रही है, लाखों रुपए की बर्बादी हो रही है। जिम्मेदार कौन रहेगा? जिम्मेदार किसको मानते हैं? जिम्मेदार तो ये मतलब गवर्नमेंट के ही, मतलब कोई विभाग है भाई, नगर निगम है ये, मतलब जो या बिजली विभाग है, कोई भी हो, वही लोग जिम्मेदार है, कौन करेगा? JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।